हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले जो टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आपको पता ही होगा कि हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ने का तरीका हमारा ये रहेगा कि पहले हम नोट्स बनाएंगे, फिर हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखेंगे, इसके बाद हम डीपीपी के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको कर लेंगे, ठीक है? इसी तरह हमारे लेक्चर को कवर करते हैं। और अगर ऐसे आप पढ़ते हैं तो आप नीट का क्वेश्चन कहीं से भी करें, वो आपका गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि एनसीईआरटी पर लिखी हुई लाइनें अगर आप ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है आप समझ के पढ़ने में, ठीक है? ऐसे लाइनें लिखी उनका मतलब कुछ और ही है। अब सपोज दैट मैं अभी बताऊंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि लाइन का मतलब एक्चुअली में एनसीईआरटी पर तो लिखा ऐसे है, लेकिन हमें समझना ऐसे है। ये बहुत ही एक तरीके से नजरिया बदल देता है आपके एनसीईआरटी पढ़ने का। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को और देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहली बात डिस्कवरी के बारे में। अब आपको पता ही होगा, अगर मैं देखने की बात करता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसे है, तो अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करें तो सेल मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि हमें सेल मेम्ब्रेन को देखना नहीं है, हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, कैसे बनी होती है, उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें देखनी है, डीपली स्ट्रक्चर देखनी है, तब लाइट माइक्रोस्कोप से ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो डिस्कवरी में जब शुरुआत में हम लोग देखना स्टार्ट किए सेल मेम्ब्रेन को, तो देख तो हमने लिया था किसके जरिए, लाइट माइक्रोस्कोप के ही जरिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, उस दौरान हमने इसका वेल डेवलप स्ट्रक्चर देखा और पूरे के पूरे फंक्शन देखा, बहुत सारी जानकारी हमें मिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब आपको पता ही होगा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई थी तब रिवोल्यूशन आ गया था माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब जगह देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं केमिकल एनालाइज की, सर केमिकल एनालाइज का मतलब क्या है? सपोज दैट मैं तुमसे ये कहता हूं कि यार हमें ये बताओ कि सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास किससे किससे मिलकर बनी होती है, समझना मेरी बात को। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक सेल मेम्ब्रेन लेनी पड़ेगी, फिर उसका केमिकल एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? एनसीईआरटी पर है ये लाइन, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी। तो अगर आपको केमिकल एनालाइज करना है ना, तब आपको सबसे बेहतर सेल ये है कि आप इन आरबीसी पर करें, मतलब आरबीसी पर आप इसका केमिकल एनालाइज करें। सर आरबीसी पर ही हम इसका केमिकल एनालाइज क्यों करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई सिलेक्ट आरबीसी, आपने आरबीसी को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो देखो, हर एक सेल होती है, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक मैंने सेल बना दिया, ये मैंने सेल बना दिया, सेल में एक क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। इस न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा। अब देखो, बहुत सारे ऑर्गन भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मैं अपन नाम लिखता हूं डायरेक्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गया, पराक्सीसोम हो गया, बहुत सारे ऑर्गन उस सेल के अंदर मिलते हैं। और ये सब ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको भी हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उनकी भाई मेम्ब्रेन है। तो अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का केमिकल एनालाइज करना है, तो प्रॉपर आपको एक सेल मेम्ब्रेन चाहिए। और आरबीसी हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता और अदर ऑर्गन भी नहीं पाए जाते। अगर मैं आरबीसी का डायग्राम बनाऊं, तो मैं आरबीसी का डायग्राम सिंपल सा ये डायग्राम बना सकता हूं कि ये मैंने एक आरबीसी का डायग्राम बना दिया, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन है, ना ही इसके पास सेल ऑर्गन है, ना ही इसके पास न्यूक्लियस है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, किसका, O2 का और CO2 का, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे भी, अभी केवल इतना जानो कि आरबीसी के पास कोई भी ऑर्गन नहीं होते हैं, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके कारण उसकी सेल मेम्ब्रेन निकालना आसान है। इस बात को मैंने लिखा भी, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है? तो जब हमने आरबीसी को देखा, तो हमने देखा कि यार जो आरबीसी है ना, वो दो मेन चीजों से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, और लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड। यानी अगर हम इसका केमिकल एनालाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है, वो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि फॉस्फोलिपिड 40% है, कितने परसेंट है, 40%, और प्रोटीन 52% है, कितने परसेंट है, 52%। और भी कुछ पाया जाता है क्या? हाँ, अदर और भी चीजें पाई जा सकती है, 8% पे सब कुछ आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, इतना आ गया। अब अगर मैं आगे बढ़ू, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं क्या करता हूं, इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो सबसे पहली बात मुझे ये पता है कि ये बने किससे है, लिपिड और प्रोटीन से। और उसमें भी सबसे लिपिड जो है, वो सबसे मेन लिपिड कौन सा है, वो है सबसे मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड। कौन सा है, फॉस्फोलिपिड।
तो क्यों ना पहले हम फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देख ले, किसकी देख ले, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो सामने एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये जो स्ट्रक्चर है बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना मेरी बात को। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेड, ये क्या है बच्चा, ये है हेड, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है टेल। कौन सा वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है, ध्यान से समझना, हर एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, हर एक लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, अभी एनसीईआरटी भी पढ़वा दूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट को तो उसको हेड बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल। और साथ ही साथ एक बात और जान लो, ये हेड वाला जो पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं पोलर है, क्या है, ये पोलर पार्ट है, और जबकि टेल वाला पार्ट जो होता है ये नॉन पोलर होता है। कैसा होता है सर, ये नॉन पोलर होता है, ये बात हमें पता चल गई। पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है सर, अभी मैं बताऊंगा, अभी इतना जानो कि हाँ ऊपर वाला पार्ट पोलर है और नीचे वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाला हूं मैं, कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका, ये ऊपर वाला पार्ट जल से प्यार करता है, क्या करता है, जल से प्यार, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जल से। तो ध्यान दो कि जो हेड वाला पार्ट है ये क्या करता है, H2O से लव करता है, मैं कह दूं ये लविंग है, ये वाटर लविंग है। अगर ये वाटर लविंग है ना तो इसको मैं बोलता हूं भैया ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये है हाइड्रोफिलिक, क्या है, हाइड्रोफिलिक। ये वाला पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि नीचे वाला टेल वाला जो पार्ट है ना ये कहता है मुझे सख्त नफरत है जल से, ये H2O से क्या करता है, नफरत करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको हाइड्रोफोबिक। अब देखो जो फोबिक वर्ड है ना आप याद कैसे रखेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं, कि हम कहते हैं ना हमें फोबिया हो गया है, हमें क्या हो गया है, इस चीज का फोबिया हो गया है, तो आपको इसका रिवर्स याद रखना कि फोबिया का मतलब खराब ही होता है यार, फोबिया का मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, मतलब ये जल से प्यार नहीं करता, ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हैं गेस के लिए, और वैसे भी आपको एमसीक्यू करना है नीट के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि जल से प्यार करना, मतलब ये वाटर लविंग होता है और ये वाटर लविंग नहीं होता, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये एक स्ट्रक्चर थी किसकी, फॉस्फोलिपिड की, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, आई होप ये समझ भी आ गई होगी, मजा भी आ रही होगी, ठीक है आगे बढ़े क्या, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मैं अपनी फॉर्म को थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आप देख पाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही होगी ना बच्चा, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस चीज को समझो, अगर तुमने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे बस, ठीक। चलो कि जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये वही फॉस्फोलिपिड का हेड वाला पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है। टेल वाला भी कहां है सर, टेल वाला बनाया ही नहीं भाई, बना देते हैं, जब ये हमने टेल वाला पार्ट बना दिया, बनाते चले जाते हैं, इसको बनाते हैं फिर आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये बहुत ही अच्छी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, आप सीख जाएंगे इस स्ट्रक्चर को, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बताऊंगा सारी बातों को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बना देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसका टेल वाला पार्ट हम लोग बना देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, टेल वाला इसका पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये टेल वाला पार्ट है। सर टेल वाला पार्ट ऐसे क्यों अरेंज है, उसका एक रीजन है प्रॉपर, अगर हम देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की कौन सी लेयर है, ये आपको बाई लेयर के हिसाब से दिखेगी। क्यों दिख रही है सर, ऊपर देखो फॉस्फोलिपिड लगा हुआ है, नीचे भी फॉस्फोलिपिड लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसकी बाई लेयर दिख रही है आपको, वहां सर बाई लेयर दिख रही है। तो अगर आप इस चीज को देखें, मैंने क्या कहा कि जो टेल वाला पार्ट है ना वो जल से प्यार नहीं करता, उसको पानी नहीं चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किससे, पानी से, H2O से। तो हमने उसको ऐसे अरेंज किया, हमने नहीं अरेंज किया, मतलब जिसने भी किया उसने ऐसे अरेंज किया कि ये जो टेल वाला पार्ट है ना ये बीच में रह गया, मेरी बात समझना, ये सपोज दैट टेल वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, तो हमने हेड वाले पार्ट से और टेल वाले पार्ट को ऐसे अरेंज किया। अब टेल वाला जो पार्ट है देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दोनों तरफ से नहीं दिख रहा ना, दोनों तरफ से नहीं दिख रहा टेल वाला पार्ट, यानी ये वाटर से क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि इसको पानी
नहीं चाहिए, तो ये इस फॉर्म में अरेंज हुआ। इसका रीजन मैंने बताया कि प्रॉपर ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बना, उसका रीजन ये था क्योंकि हमको टेल को ऐसे अरेंज करना था जो कभी वाटर के फॉर्म में ना आए। आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एटमॉस्फेयर के टच में रहेगा, जो नीचे वाला पार्ट है ये साइटोप्लाज्म के टच में रहेगा। मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं कहूं ये वाला, तो ये साइटोप्लाज्म के टच में रहेगा कि नहीं, साइटोप्लाज्म के टच में रहेगा। और ये ऊपर वाला, ये आउटर पार्ट है इसका, तो आउटर पार्ट तो आपको पता है एनवायरनमेंट के टच में रहता है, कभी भी पानी आ सकता है। तो हमें टेल वाले पार्ट को ऐसे अरेंज करना था कि वो पानी वाले पार्ट से अपने को प्रोटेक्ट कर सके, हमने कर दिया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं और भी इनमें चीजें पाई जा रही है। जैसे कि इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने चैनल कहा। किसको? इसको, इसको हम क्या कहते हैं? चैनल। और इसको हम कहते हैं पंप। इसको हम क्या कहते हैं? पंप। सर ये चैनल और पंप में फर्क क्या होता है? तो देखो अभी बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना तुम लोगों को चैनल और पंप के बारे में, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टिंग प्लांट जब पढ़ेंगे ना तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि जो चैनल होता है ना ये एटीपी की यूज नहीं करता है। एटीपी का यूज दोनों ट्रांसपोर्टेशन के काम करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ये जहां से कोई चीज सपोज दैट है, यहां पर कोई चीज है, उसका ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? साइटोप्लाज्म में, या कोई साइटोप्लाज्म में है तो उसको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह पंप भी करता है। तो सर दोनों में फर्क क्या है, आखिर पंप और चैनल लगाना ही क्यों था, किसी एक को लगा देना चाहिए था? तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चैनल के द्वारा ही जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पंप के थ्रू जाती हैं। सर ये अलग अलग क्यों होती है? देखो जब हमें एटीपी की आवश्यकता होगी, किसकी? एटीपी की, तब हम पंप का यूज करेंगे। मतलब पंप यूज करता है किसका? ये यूज करेगा किसकी? एटीपी को। ये एटीपी का क्या करेगा? यूज करेगा जब ट्रांसफर करेगा चीजों को। और जबकि जो चैनल होते हैं ना ये नो यूज एटीपी, ये एटीपी का यूज नहीं करते हैं, एटीपी का यूज नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हमने अभी सीखा कि पंप एटीपी का यूज करते हैं जबकि चैनल एटीपी का यूज नहीं करते हैं, बिना एटीपी यूज करे हुए ही ट्रांसफर कर देते हैं। आया एक तो समझ? आ गया सर। अब यहां पर तुम लोगों को और भी कुछ चीजें दिखेंगी। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये एक तरीके की क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। और ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला भी क्या है? पार्ट। ये भी पार्ट है प्रोटीन का। ये भी पार्ट किसका बच्चा? प्रोटीन का। ये दोनों पार्ट किसके हैं? प्रोटीन के हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये मैंने नंबर दिया इसको, ये नंबर वन मैंने दे दिया, ये नंबर टू दे दिया, दोनों सेम है, और नंबर थर्ड वाला एकदम से अलग है, ये वाला एकदम से अलग है नंबर थर्ड वाला। तो अगर हम नंबर एक और दो की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं ये इनकी लेयर के पास है और ये बाहर है एकदम से। जबकि नंबर थर्ड वाले की बात करें, हम इसकी बात करें नंबर थर्ड वाले की, तो नंबर थर्ड वाला बीच में, ये वाली प्रोटीन दोनों लेयर के बीच में फंसी हुई है। तो अगर जो बाहर है उसको हम नाम देते हैं पेरीफेरल प्रोटीन का। किसका? पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन। और जो अंदर धसी हुई है इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। एक बार मैं रिपीट करता हूं, हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है जिसमें से टेल वाले पार्ट को प्रोटेक्ट किया गया है वाटर से। उसको ऐसे अरेंज किया गया है कि कभी भी वो वाटर के संपर्क में ना आए। ऊपर और नीचे वाली लेयर दोनों ही लेयर किसकी है? हेड से बनी हुई है। टेल वाला पार्ट बीच में है, ये बात। फिर हमने देखा कि इसमें चैनल और प्रोटीन पाई जाती है, सॉरी चैनल और पंप पाए जाते हैं। चैनल में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, पंप में एटीपी की आवश्यकता होती है। फिर हमने देखा दो तरीके की प्रोटीन पाई जा रही हैं, एक जो बाहर है, एक जो बाइलेयर में फंसी हुई है। तो जो फंसी हुई है उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो बाहर है उनको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब पॉइंट लिख लेते हैं। चलो अब गर्मी बहुत हो रही है भाई, तो हालत खराब है। एक मिनट मुझे दो तुम लोग। चलो हाँ, तो चलो अब पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसी से रिलेटेड रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहली बात कि इसमें टू टाइप की क्या पाई जाती है? लिपिड पाई जाती है।
एक ही टाइप का तो आपने बताया है, फॉस्फोलिपिड आपने बताया है। तो देखो आप एक बार स्ट्रक्चर और देख लो, ये जो स्ट्रक्चर है जिसका मैंने नाम ही नहीं बताया, ये चीज जो दिख रही है आपको, ये वाली जो चीज दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ओनली एनिमल सेल में, ओनली एनिमल सेल, केवल ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, सब में नहीं पाई जाती है। तो अब हम फिर से टॉपिक में आते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हमने सीखा उसी को हम लिखने वाले हैं नोट्स में। हम पहली बात ये लिखेंगे कि इसमें दो तरीके की लिपिड पाई जाती हैं, जिनमें से मेन लिपिड है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। लेकिन एक लिपिड और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो ये मेन लिपिड है और ये सब में प्रेजेंट होती है, सभी सेल में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रॉल वाली लिपिड की बात करते हैं तो ये मेन लिपिड नहीं है, ये केवल एनिमल सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें प्रोटीन भी दो तरीके की होती है। हमने देखा कि एक प्रोटीन, अगर हम डायग्राम बनाते हैं, देखो एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर, इसको बनाने की जरूरत, ये ऊपर बना रहा, चलो ठीक है, ये मैंने एक फॉस्फोलिपिड बना दिया, ये मैंने एक बाइलेयर बना, चलो ऐसे सिंपल से हम बाइलेयर बना देते, ये हमने बाइलेयर बना दिया। एक होगी जो प्रोटीन जो ऊपर होगी, एक प्रोटीन जो बीच में धसी हुई होगी, ऐसे बाइलेयर के बीच में होगी। तो टू टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। हम नाम लिखते हैं कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल जो बाइलेयर के बीच में फंसी हुई है, और पेरीफेरल का मतलब क्या है? पेरीफेरल जो कि बाइलेयर से बाहर या नीचे देखने के लिए मिलेगी, ऊपर नीचे कहीं पर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बाइलेयर में फंसी हुई नहीं होगी। तो यहां पर एनसीईआरटी लिखती है, मैंने लिख रहा हूं बच्चा, एनसीईआरटी लिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सटेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रक्शन। ठीक है, मतलब प्रोटीन के अकॉर्डिंग, धसने के अकॉर्डिंग, कि कहां पर वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने दो तरीके की प्रोटीन को देखा। देखा कि नहीं देखा? हाँ देख लिया सर। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने वाले हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। यहां पर लिखा गया लेकिन सर आपने बताया तो नहीं इसको, चलो और देख लेते हैं, भूल गया होगा ये वाला, तो चलो देखते हैं, आ जाओ इधर आओ। ये हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा फिर देखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया? एक डायग्राम, देखना ध्यान से, ये हमने एक डायग्राम बनाया, सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया। यहां पर आपको पता है कि इस बाइलेयर के बीच में एक प्रोटीन फंसी हुई होती है, हमें पता है इस चीज को अच्छे से। और साथ ही साथ में अगर मैं फॉस्फोलिपिड बना दूं, यहां पर ये मैंने फॉस्फोलिपिड बना दिया, ये इधर मैंने फॉस्फोलिपिड बना दिया, ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, इतना ही बनाएंगे। हम सीखने वाले हैं, जो एक पॉइंट छूट गया उसी को बताना वाला हूं कि कहां से भाई चीजें रिलेटेड, ठीक है। तो अगर अगर हम बात करते हैं कि शुगर की चैन इस प्रोटीन से जुड़ी हुई है, अगर शुगर की चैन इस प्रोटीन से जुड़ी हुई है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर शुगर की चैन इस हेड से जुड़ी हुई है, अगर शुगर की चैन इस हेड से जुड़ी हुई है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइको, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। जो प्रोटीन से जुड़ी है उसको ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड से जुड़ी है उसको ग्लाइकोलिपिड। कोई भी कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं है सर। तो अब इस पॉइंट को देख लेते हैं एक बार, जिस पॉइंट को अभी अभी हमने देखा था, ये सामने आपके पॉइंट है ये, ठीक है। हमने देखा कि यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आल्सो प्रेजेंट, और ये किसका काम करते हैं? ये एंटीजन का काम करते हैं। किसका? एंटीजन का काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले हैं नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, यहां पर जो मैं बताने वाला हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सी बात है, और एनसीईआरटी पर भी लिखी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा कि जो आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, और सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा कि फॉस्फोलिपिड पाई जाती है और प्रोटीन पाई जाती है, तो आप ये मत समझिएगा कि जो रेशियो हमने बता दिया है 52 और 40 वाला, 52 प्रोटीन और 40 फॉस्फोलिपिड, ये सब में होता होगा, नहीं, ये वैरी करता है अलग अलग सेल में। ये जो हमने देखा था ये किसका देखा था? आरबीसी का देखा था। किसका देखा था? आरबीसी का देखा था। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन आर वेरी, मतलब ये वेरी करता है अलग अलग सेल में, बिल्कुल करता है। हमने जो देखा एनसीईआरटी पर जो लिखा है 52 और 40 वाला, वो किसका है? आरबीसी का है। किसका है? आरबीसी का है। सर समझ में आ गया, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? ये मैंने क्या बना दिया बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ये हमने क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया।
आपको पता होगा कि ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, और आपको पता होगा कि ये कौन सी लेयर है, ये इनर लेयर है। तो इसके इनर लेयर वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके इनर लेयर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये प्रोटीन से क्या होते हैं, रिच होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम फिक्स नहीं करते हैं कि यार सेल मेम्ब्रेन में ये फिक्स होता है रेशियो 52 और 40 वाला। 52 कौन है, प्रोटीन है, और 40 कौन है, 40 हमारी फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो फिक्स कभी नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आ गई है हमारी एनसीईआरटी, अब हमें पढ़ना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेते हैं। सर आपने पूरा पढ़ा दिया क्या? नहीं, इसका पार्ट सेकंड भी लाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है कि लेंथी वाला पोर्शन है, और थोड़ा सा हमें दो पार्ट भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन भी करना है, एनसीईआरटी पढ़ना, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ज्यादा लंबा वीडियो खींच जाता है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बना रखा है। पहला पार्ट आज मैंने पढ़ा दिया, कल दूसरा पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से, सेल मेम्ब्रेन का। हमने देखा कि भैया सेल मेम्ब्रेन जो है वो फाइनली कब देखी गई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। कब खोज देखी गई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। सर कहां पर देखी गई, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी पर देखी गई थी। कहां पर देखी गई थी, आरबीसी पर देखी गई थी। इस चीज को समझो, जब हमने आरबीसी पर देखा इसको, तो हमने देखा कि जो ये है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिनमें से मेजर क्या है, जिनमें से मेजर फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। कौन सी वाली लिपिड पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इनका अरेंजमेंट बाइलेयर में होता है। कैसे होता है इनका अरेंजमेंट, बाइलेयर में होता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है बाइलेयर जो होती है वो कैसे होती होगी, तो देखो हम आपको पता ही है कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेडर, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है टेल। ऊपर वाले को हम बोलते हैं पोलर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं नॉन पोलर। एक बार मैं इस बात को लिखना चाहूंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पोलर साइड होती है। कौन सी साइड होती है, पोलर साइड। और साथ ही साथ में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। ये नॉन पोलर होता है, कौन सा होता है भैया, ये नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। फिर से एनसीईआरटी पर आते हैं और एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं, हमने यहां तक देख लिया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ये यहां पर बात बताइए कि जो आपका हेड वाला पार्ट है कौन सा पार्ट होता है, ये पोलर पार्ट होता है। और आपको पता है कि जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये यहां पर लिखा हुआ है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, वो जल से प्यार नहीं करता है। जबकि ऊपर वाला पार्ट, ये जो पोलर वाला पार्ट है, ये कौन सा होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये जल से प्यार करता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं तो ये लास्ट वाले पार्ट को, यानी टेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉन पोलर टेल पार्ट, यहां पर लिखा हुआ है नॉन पोलर हो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एनसीईआरटी देखें तो परसेंटेज यहां पर लिखा होगा कि अप्रोक्स कितना पाया जाता है, 52% प्रोटीन, और 40% क्या पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है। साथ ही साथ में कोलेस्ट्रॉल, कहां सर कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहां पर बताया गया है, तो यहीं पर कहीं लिखा होगा। इसके बाद ये यहां पर लिखा हुआ है कि सॉरी कहां पर लिखा हुआ भैया, कोलेस्ट्रॉल, मिल जाओ, पढ़ना पड़ेगा इसको, तो ये यहां पर लिखा हुआ, ये यहां पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया गया, जो मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड भी पाई जाती है, ये उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ में यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो प्रोटीन है और को क्लासिफाई किया गया है किसके हिसाब से, यहां पर लिखा हुआ जो प्रोटीन क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, एंड किसके हिसाब से किया गया है, ईज ऑफ एक्सटेंशन के हिसाब से किया गया है, एक्सट्रैक्शन के हिसाब से, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से किया गया है। ठीक है, आपको पता है प्रोटीन दो तरीके की मिलती है, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एनसीईआरटी एक बार और पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पर पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे, चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और करना है आपको, बताओ क्या क्या पाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, क्या लिपिड पाई जाती है, क्या बिल्कुल पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, क्या बिल्कुल पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या बिल्कुल पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। सर ये कार्बोहाइड्रेट आपने नहीं बताया, बच्चे एनसीईआरटी पढ़, देखिए एनसीईआरटी इधर सामने, एनसीईआरटी आ गई कि नहीं आ गई, और देखो एनसीईआरटी पर कहां लिखा कार्बोहाइड्रेट, ये यहां पर लिखा हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहां पर लिखा हुआ, ये देख रहा है कि नहीं, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, लंबा सा हाईलाइट कर दिया मैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज, कितना परसेंटेज क्या पाया जाता है, हमें पता 52 पाई जाती है प्रोटीन,
और 40 पाई जाती है लिपिड। और पढ़ लेते हैं 40 में यहाँ पर लिपिड है, 52 में कार्बोहाइड्रेट है, 52 में लिपिड है, 52 में प्रोटीन है, एक ही जगह 52 में प्रोटीन है, मतलब 40% लिपिड हो गया और 52% प्रोटीन हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई डीपीपी अगली। तो अगला पूछा गया है कि टेल पार्ट के लिए कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पेंडिंग में करता हूँ डीपीपी, ना आए तो क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लेना भाई। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, जहां लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन रहा है हमसे, तो कमेंट करो, उसका आंसर बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, चलो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? अरे भैया सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो पढ़ते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों में होती है क्या? हाँ सर दोनों में होती है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर होता है क्या? हाँ सर होता है, उतनी देर से ही तो पढ़ रहे हैं। अगला पढ़ते हैं प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटेग्रल अस वॉल लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड एंड बाइलेयर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर, हाँ इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। क्या कार्बोहाइड्रेट इन पर कभी नहीं पाया जाता? अभी तो क्वेश्चन किया भैया पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है इसका, ठीक। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट पूछा गया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया, ठीक है। अब इसको तो एटलीस्ट तुम करोगे ही, एक मैं करूंगा और एक तुम करोगे। आज के क्वेश्चन यहीं तक है मुझे लग रहा है, हाँ यहीं तक है। कल का लेक्चर हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल का पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा, हाँ स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। अब आप नीट के क्वेश्चन करिए, जहां से भी करना हो कर लीजिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल हमने पढ़ा दिया, अभी हमने रोल नहीं पढ़ाया आपको इसका, कि रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। साथ ही साथ वहां पर हम लोग मॉडल भी देख लेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे कहीं पर प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है, या कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट वगैरह करिए। वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर बता दिया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। और अगर पढ़ाई वढ़ाई कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, ठीक। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।